किस तरह से हाई कोर्ट में अपील करती है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 18 सितंबर को वोटिंग होगी, 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। केंद्र शासित प्रदेश में 74 सीट सामान्य वर्ग से हैं, जबकि 7 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व की गई हैं। 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व की गई हैं। इस बार प्रदेश में 87,08,000 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे। भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा जब जम्मू कश्मीर में सरकार 5 साल के लिए चुनी जाएगी और इन चुनावों में जम्मू कश्मीर का कोई अलग झंडा भी नहीं होगा। इसके पहले जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य था जिसमें सरकार 6 साल के लिए चुनी जाती थी। 90 सीट वाले जम्मू कश्मीर में बहुमत का आंकड़ा 46 सीट का होगा, यानी कि जो भी पार्टी या गठबंधन 46 सीट जीतेगा वही सरकार बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और खबर की। रूस और यूक्रेन की जंग में अब रूस बैकफुट पर नजर आ रहा है। यूक्रेन की सेना लगातार रूस के अंदर घुसती नजर आ रही है और बड़े इलाके पर कब्जा कर चुकी है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना